संभव की सीमा जानने का केवल एक ही तरीका है, असंभव से भी आगे निकल जाना। भारत देश की बेटियां आज देश का नाम हर फील्ड में रोशन कर रही हैं। आज हम देश की एक ऐसी ही बेटी से मिलेंगे जिसने देश का नाम रोशन किया और हर असंभव को संभव में बदलने की पुरजोर कोशिश की। हम बात कर रहे हैं बाला देवी की, जो इंडिया से फुटबॉल खेलती हैं। पर बाला देवी ने जब फुटबॉल खेलना शुरू किया तो कई लोगों ने उनके माता पिता को बोला कि लड़की है क्यों फुटबॉल खिलवाना, पर बाला देवी के माता पिता ने उनके बढ़ते पंखों को आसमान दिया ताकि वो एक आजाद परिंदे की तरह वो कर सकें जो उन्हें पसंद हो। तभी शायद आज बाला देवी किसी फॉरेन फुटबॉल क्लब के साथ जुड़ सकी। बाला स्कॉटिश वुमेन्स प्रीमियर लीग क्लब रेंजर्स एफसी से खेलती हैं। बाला पिछले 15 सालों से इंडियन नेशनल वीमेन टीम के साथ जुड़ी हुई हैं और उन्हें सन 2014 और 15 में फुटबॉल में उनके शानदार प्रदर्शन के लिए वीमेन्स प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो आइए मिलते हैं बाला देवी से और जानते हैं बाला देवी की कहानी उन्हीं की जुबानी। बाला, आपका बहुत बहुत स्वागत विलासन से स्पोर्ट्स पर। जी, थैंक यू। बाला, आप हिंदुस्तान की पहली महिला फुटबॉल प्लेयर हैं, एकमात्र कहेंगे हम फुटबॉल प्लेयर हैं जो 19 साल से खेल रही हैं प्रोफेशनली, और आपका इतना लंबा करियर और आज भी खेल रही हैं। किस तरीके से देखते हैं आपकी जर्नी को? ये जर्नी बहुत बचपन में बहुत दिक्कत हो रहा था कि अपना जो लोकल का जो भी फैमिली से कि लड़कियों क्यों फुटबॉल खिला रही है, लड़कियों क्यों फुटबॉल खिला रही है, पढ़ाई में ध्यान करने दो। बहुत सारे लोगों ने मेरा मम्मी पापा को बहुत बात किया है कि ये क्यों खिला रही है। तो मेरा दिमाग में एक ही चीज है कि मैं खेल की दिखाऊंगी। तो यही मेरा जर्नी शुरुआत हुआ था। तो धीरे धीरे मैंने अचीवमेंट मिला हुआ था। पहली बार 2002 में अपना स्टेट रिप्रेजेंट किया था आसाम डिब्रूगढ़ में, तो मुझे बेस्ट प्लेयर मिल के आया था। जी जितना भी लोगों ने हमारे बारे में बात किया था, सबने सपोर्ट किया, तभी से मेरा जर्नी स्टार्ट किया था। ओके कोई एक ऐसी खास मेमोरी जो आप हमसे शेयर करना चाहें आपके चाइल्डहुड की, जो खेलते समय की रही हो? मेरा चाइनवर्ड जब मैं शुरुआत थी फुटबॉल कैरियर में, बॉयज के साथ मैं शुरुआत किया था अपना लो के रितीस का, और मेरा पापा और मेरा भाया फुटबॉल खेलती थी, तो उन लोगों को देख के मेरा जो फुटबॉल खेलना शुरू कर दिया। तो बॉयज लोग के साथ मैंने अपना करियर शुरू किया, और जितना भी हमारा जो फैमिली से वो सब स्पोर्ट्स में जुड़ी हुई है, तो इसलिए मैं आज यहाँ तक पहुंचा हूँ। जी बिल्कुल, और आप पहली इसीलिए शायद महिला फुटबॉल प्लेयर हैं जिसको किसी फॉरेन फुटबॉल क्लब ने साइन किया है। तो किस जी तरीके से देखती हैं कि काफी सारे प्लेयर्स के लिए आपने एक तरीके से रास्ता खोल दिया है, या आपको लगता है नहीं अभी भी और जो प्लेयर्स हैं हिंदुस्तान के उनके लिए अभी भी देर इज अ लॉन्ग रोड टू गो? यस डेफिनेटली, अभी थोड़ा मेरा ख्याल से एक रास्ता तो खोल दिया है, लेकिन मैं कहना चाहती हूँ कि जितना भी हमारा फीमेल्स फुटबॉलर्स इंडियन का है, बहुत आगे जा सकते हैं, उसमें बहुत टैलेंट है। तो जो भी मौका मिलेगा उनको वर्ल्ड को दिखा सकता है कि हम किसी से कम नहीं। तो बाला, इंडियन इंडियन प्लेयर्स जब विदेश में जाते हैं, विदेशी सरजमी पर खेलते हैं, तो आई एम श्योर वो बहुत सारे चैलेंजेस फेस करते होंगे। अभी आप स्कॉटलैंड में रेंजर्स क्लब के लिए खेल रही हैं, तो किस तरीके के जी चैलेंजेस होते हैं इंडियन प्लेयर्स के सामने? या मैं सिर्फ इंडियन प्लेयर के चैलेंजिंग यही कि जितना भी लोगों हमें मौका मिले, जो जो भी प्लेयर है बड़े बड़े टीम के साथ और अभी जो वर्ल्ड हायर रैंकिंग के साथ जो कंट्री अपना जो हायर ऑफ 11 कंट्री का जो भी क्लब के साथ जो जो भी मौका मिलता है, उसमें हम लोग को दिखाने का एक ही तरीका है। तो अपना जो टैलेंट टैलेंट है यही हमारे लिए यही है। ओके आप जर्सी नंबर 10 पहनती हैं बाला, और ट्रेडिशनली देखा गया है कि जो लोग जो ग्रेटेस्ट प्लेयर्स हैं फुटबॉल में जी वो ही पहनते हैं। यू हैव अर्न जर्सी नंबर 10, सो कितनी जी मेहनत लगती है इस जर्सी को कमाने के लिए, इस जर्सी को पहनने के लिए? जी एक तो वॉल में जो भी बड़े बड़े प्लेयर्स है, किंग जो नाम दिया था, फादर ऑफ किंग, पेले, मराडोना, मेसी, रोनाल्डिनो, ये सब नंबर 10 पहनती है। लेकिन ये जी नंबर 10 मुझे बहुत उम्मीद करते कि मुझे
रेंजर्स एफसी ने मेरे को जर्सी नंबर 10 दिया हुआ है, तो उसी नंबर को मैं उम्मीद करती हूँ और जितना भी हमारा जो इंडियन प्लेयर है इंस्पिरेशन करने के लिए मैं बहुत कोशिश करूंगी और अपना कंट्री को प्राउड करूंगी। जी आप 2005 से इंडियन फुटबॉल टीम के साथ बाला जुड़ी हुई हैं और आप हाईएस्ट गोल स्कोरर हैं, 52 गोल्स 58 मैचेस में। सो व्हाट रियली इट टेक्स टू बी हु यू आर? ये तो खाली मैं कहना चाहती हूँ कि अपना मेहनत तो जरूरी होगा उसमें, और टीम एफर्ट और जितना भी कोशिश मिला हुआ है हम सबको, तो उनकी वजह से भी हुआ है और फैमिली एंड फ्रेंड्स की वजह से हुआ है ये सब स्कोर। बाला, आप सैफ गेम्स में आपने पार्टिसिपेट किया 2010 में, आपका प्रदर्शन इतना अच्छा था कि आपको मणिपुर पुलिस में जॉब भी मिली। सो कितना जरूरी है प्लेयर के लिए जॉब सिक्योर करना ताकि वो अपने गेम पर फोकस कर पाए? एक तो ये की है कि अपना जो पास में थोड़ा पैसा होना चाहिए अब, ताकि अपना जो 11 ऑफ स्टेट अपना जो करियर को बढ़ाने के लिए, अपना डाइट जो भी हो उसको बढ़ाने के लिए अपने पास पैसा होना चाहिए, जॉब होना चाहिए। फिर भी मैं बोलना चाहती हूँ कि जॉब से मत जुड़े हुए, जो जो भी स्पोर्ट्स का जो आपका पैशन था तो स्पोर्ट्स में लाइए, वही बोलना चाहती हूँ। तो आप कह रही हैं कि आपका जो पैशन है फॉलो उसको कीजिए, स्पोर्ट्स में जॉब के लिए मत आइए, पर हाँ जॉब होती है तो ऑफकोर्स एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी होती है। यस यस। बाला, बमबम देवी को आप आइडलाइज करती हैं, उनको दुर्गा ऑफ इंडियन फुटबॉल कहा जाता है, गलत नहीं होगा अगर हम आपको काली ऑफ इंडियन फुटबॉल बोले, क्योंकि आप एब्सोल्युटली फियरलेस हैं, एग्रेसिव हैं फील्ड पे। डेफिनेटली नो डाउट बमबम दीदी को दुर्गा माँ नाम दिया हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। मेरा बहुत इंस्पिरेशन हूँ उससे और मेरा आइडल भी थी, और मैं 2005 से लेकर 2016 तक उनके साथ फुटबॉल में जुड़ी हुई है, मैं उनके साथ भी टीममेट थी, मैंने बहुत सीखा हुआ था ऑफ द फील्ड बहुत सीखा हुआ उनसे। जी तो क्या आपको लगता है कि अगर हम आपको काली बोले इंडियन फुटबॉल की तो गलत होगा? ये तो अपना मतलब कंट्री के चूज अपना चूज होता है, ये तो बोल नहीं सकते हो, लेकिन मेरा से जितना भी हो सकता है अपना लेवल से अपना प्राउड करूंगी और कंट्री के लिए मैं करूंगी। जी, इंडियन फुटबॉल टीम की अगर हम बात करें तो जो विमेंस टीम है उसकी करंट रैंकिंग 55 है, 55, और अगर हम मेंस टीम की बात करें उसकी करंट रैंकिंग 109 है। सो अगर और रैंकिंग्स के मुताबिक अगर देखा जाए तो जो विमेंस टीम है उसके ज्यादा ब्राइट चांसेस हैं वर्ल्ड कप में रिप्रेजेंट करने के इंडिया को, तो क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? डेफिनेटली वुमेन्स टीम में मैं सपोर्ट करती हूँ ज्यादा, वुमेन्स टीम डेफिनेटली मैं आगे बढ़ेगा और वर्ल्ड कप जरूर मैन से पहले हम लोग खेल सकेगा, क्योंकि हमने बहुत सारे मैचेस खेला है 2018-19, बहुत सारे मैचेस खेला है हमने, बड़े बड़े रैंकिंग के साथ हमने ड्रॉ भी किया था जी। तो जो आने वाला वर्ल्ड कप अभी गर्ल्स का होने वाला है उसमें हम आप लोग देखिए क्या हो जाएगा हम अपना कंट्री में फुटबॉल में। अंडर 17 विमेंस वर्ल्ड कप भी होने वाला है 2021 में। यस। तो और अगर मैं देखूं तो आज हिंदुस्तान में फुटबॉल के ना सिर्फ बहुत सारे प्लेयर्स हैं बल्कि लोग बहुत देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं फुटबॉल को, पर और नई हाइट्स पर ले जाने के लिए, एक नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए क्या लगता है आपको और क्या करने की जरूरत है? मेरा ख्याल से अभी बहुत सारे लोगों ने वुमेन्स फुटबॉल को फॉलो किया, सपोर्ट भी किया था, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन मुझे और भी कहना चाहती हूँ, मेरे तरफ से जितना भी हो सकता है उनको सपोर्ट करना चाहिए। अभी वर्ल्ड कप ऐसा जो भी टैलेंट होता है दिखाने के लिए ये नाम दिया हुआ है वर्ल्ड कप, तो अपना कंट्री में ये वर्ल्ड कप होने वाला है, तो जो भी प्लेयर्स जो खेलने का मौका मिल रहा है उनको भी एक दिया हुआ है अपना देश प्राउड फील करने के लिए। मुझे उम्मीद करती हूँ जो भी बच्चा जो खेलने वाला है अपना देश को प्राउड करेगा, और अभी बहुत अच्छा से प्रैक्टिस कर रही है
और देखिए देखती आई एम श्योर हम लोग जरूर जीतेंगे ये अंडर 17 वर्ल्ड कप। यस विमेंस टीम को हम कब देखते हैं आईएसएल में? एक्चुअली मैं अभी तक के लिए मैं कहना चाहती हूँ वुमेन्स वुमेन्स आई लीग पास 4 इयर्स बहुत अच्छा से प्रोग्रेस हो रहा है। बहुत सारे प्लेयर्स नया नया जो प्लेटफॉर्म नहीं मिला था उनको भी प्लेटफॉर्म मिल रहा है, तो मेरा ख्याल से बहुत आ गया हम लोग अच्छा हो रहा है। सो डेफिनेटली होप सून आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है बाला? अभी तो फिलहाल जी। रेंजर्स के साथ खेल रही है, 1.5 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, बट व्हाट नेक्स्ट? सो मेरा फ्यूचर प्लान है कि अभी जो रिसेंट अभी जो मुझे मौका मिल रहा है, आप इतना बड़ा क्लब में अपना कंट्री के लिए खेलने का मौका मिल रहा है, जस्ट फोकस में इसमें डालना चाहती हूँ अभी के लिए। जी, जी कोई मैसेज जो आप देना चाहें? मैं खाली बोल मैसेज करना चाहती हूँ कि जितना भी जो हो सकता है अपना जो बेस्ट 11 अभी रुक 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 के मत रखिए, अपना जो होता है तो मैं अभी मतलब बचपन से मैं 15 साल कंप्लीट हो गया है नेशनल टीम रिप्रेजेंट करना, और 15 इयर्स में मैंने नेशनल टीम में रिप्रेजेंट किया है, तो बहुत साल के बाद मैंने ये मौका मिला है, तो कहीं ना कहीं जरूर मिलेगा अपना जो जर्नी है अपना जो हार्डवर्क जो ड्रीम है जरूर मिलेगा, वही कहना चाहती हूँ मैं। आपकी जिंदगी से ऑफ कोर्स बाला बहुत कुछ सीखने के लिए है। मैं भी कुछ जी सीखता हूँ ऑफ कोर्स, मैंने भी देखा। मैं एक ही चीज कहूंगा कि डोंट लिमिट योर चैलेंजेस, चैलेंज योर लिमिट्स। ये यस सब जी कोई भी आपकी जिंदगी से सीख सकता है। जी जी आप हमसे जुड़ी इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद बाला। वी थैंक यू विश यू द सो बेस्ट मच, फॉर थैंक योर एंडेवर्स। यू, थैंक यू सो मच। दोस्तों, अगर आपको हमारा एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम फिर मिलेंगे एक और खेल जगत की नई शख्सियत के साथ। वैसे वन डे अ वीक ट्रेनिंग इज बेटर देन नथिंग, क्या कहना है आपका?